अभी तो सिर्फ तारीखों का ऐलान ही हुआ है, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष अभी से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि नेता चाहे आपस में कितने भी गठबंधन की बातें क्यों न कर ले, छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। कैथल के जुलानी खेड़ा गाँव में भी कुछ ऐसा ही बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिया, जब सरपंच चुनाव को लेकर दो भावी उम्मीदवारों के समर्थक आपस में ही टकरा गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच वोटों को लेकर पहले तो तूतू मैमे शुरू हुई थी और ये मामूली विवाद कब बड़े झगड़े में बदल गया किसी को पता नहीं चला। कुछ ही देर में दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया। हालात कैसे रहे होंगे इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देख कर लगा लीजिए। कहा जा रहा है कि इस झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग शामिल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तो इतनी गंभीर है कि उन्हें PGI रेफर कर दिया गया है। ये दो पक्षों में कल रात झगड़ा हो गया था, आपस में पथराव हो गया था, तो सरपंच के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में। तो किस तरह पुलिस को कैसे मालूम चला, कितने बजे की घटना है? ये करीब 9:30 बजे रात की घटना है, सूचना मिली थी टेलीफोन में, तो उस पर PCR और थाने की पुलिस आई है और बीच में आस-पास के लोगों ने आकर बीच में पता लग पाया है किस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ? पंचायती चुनाव को लेकर आपस में दोनों पार्टी दो दड़े हैं उनका आपस में इस पंचायती चुनाव को लेकर। तो कितने व्यक्तियों को चोट लगी है? इसमें एक पक्ष के 4 व्यक्तियों को और दूसरे पक्ष के 3। तो कोई मामला वगैरह भी दर्ज किया गया है? अभी उनकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके बाद। तो संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा क्या प्रबंध किया गया? पुलिस बहुत तैनात है। तो गांव वालों से क्या अपील करना चाहिए? गांव वालों से है, इनकी आपस में आसपास के लोगों की पंचायत में बातचीत चल रही है। पूरा मामला कलायत हलके का है, जहां हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और मंत्री कमलेश ढांडा के समर्थकों के बीच चौधर के लिए विवाद गरमाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों की बातचीत में समस्या का समाधान करने के लिए गांव में जुटे थे, मगर विवाद का अंत लाठी डंडे और पत्थरों के हमले के साथ खत्म हुआ। हालात तनावपूर्ण होते देख पूरे गाँव में पुलिस की तैनाती कर दी गयी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पत्थर पड़े हैं। बहरहाल अब दोनों पक्षों को साथ बैठाकर समझौता कराने की कोशिश भी जारी है। कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।